सर हम कंटिन्यू तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक ना जेके बॉस की तरफ से कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा, क्योंकि हम ऐसे अपना करियर तबाह नहीं कर सकते। हमारी यही मांगे रहेगी कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें पास किया जाए, क्योंकि पेपर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था, और हम तब तक करेंगे जब तक ना हमारे साथ इंसाफ होगा। ये की है तो हमें मार्क्स दे दे कि जिससे हर एक बच्चा पास हो जाए, या तो कम मार्क्स पास रखे, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाए ताकि कोई ना गिरे, ताकि सुसाइड के केस कम हो जाए। नहीं कर सकते, हमें बस यही अपील है उनके सामने कि हमारा फैसला किया जाए बस। जी हम कल भी निकले थे यहाँ आजादगंज जेके बॉस के पास, वहाँ भी अभी कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ भी वो कोई भी पूछ रहे हैं कि क्या किया, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया जेके बॉस से। हमारी सब सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि हमें पास कीजिए। यहाँ भी बोल रहे हैं कि कुछ ग्रास मार्क, हमें उससे भी कोई कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ हमें पास कीजिए। हम बस यही चाहते हैं कि हमें पास किया जाए, क्योंकि हमारा जो फिजिक्स पेपर है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आया था और बहुत ही टफ आया था। मैंने मतलब सबसे पूछा कितना आपने किया है, सारे बोल रहे 10, 5, 15, 20 से ऊपर किसी ने नहीं किया है। अब बात यह है कि जो कुछ बच्चे हैं सारे तो एवरेज होते नहीं है, सारे तो टॉपर्स होते नहीं है। जो बिलो एवरेज है, जो 5 मार्क्स करके आए हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि उनने क्या किया था पेपर में, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको डिवाइड किया था दो दो में, एक तो उनकी एक्सप्रेशन की डिराइवेशन और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना था। तो हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब हम बस यही बोलते हैं कि हमें बस पास होंगे और क्या होंगे, प्रोटेस्ट तो इतने होंगे। ये पेपर इनने इतना टफ डाला, इसकी वजह से 2 सुसाइड भी हुए। कल बड़गाम में सुनने में आया है, बड़गाम में भी 1 सुसाइड हुआ है, और परसों जो हंदवाड़ा में एक हार्ट अटैक हुआ वो भी इसी की वजह से हुआ। इसलिए मजबूर हो गए प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि हमारा फिजिक्स पेपर बहुत अनएक्सपेक्टेड आया था। हमने नहीं सोचा था कि मतलब ये कि हमारे साथ कोई मजाक हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि परसों एक लड़की ने फिजिक्स पेपर देख के उसको हार्ट अटैक आ गया था। जब हमारा रिजल्ट निकलेगा ऐसे हजारों केसेस होंगे, जिम्मेदार कौन होगा? सिर्फ जे के बॉस। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें ऐसी सिचुएशन में डाला कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर जे के बॉस ने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी तो आज 2 ने सुसाइड किया, कल 4 करेंगे, 4 के बाद 8 करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। तो मतलब फिजिक्स पेपर मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड क्यों? लाइक बाकी 4 पेपर्स हमने बहुत अच्छे से किए, हमने तो नहीं बोला कि हमें ऐसे पेपर आए वैसे पेपर आए, लेकिन फिजिक्स पेपर डाला ही ऐसा था। हम मतलब घंटे को हम सोच रहे हम क्या लिखें, कैसे करें, क्या करें, आगे क्या करें, मतलब बिल्कुल पेपर का ना कोई पैटर्न था ना कुछ। हम क्या करते, देख रहे थे पेपर को, हम नहीं बोल रहे कि हमें टॉप मार्क्स 70 में से 70 दे दो, 70 में से 60 दे दो, हमारे लिए पास मार्क्स काफ़ी है, हमें फिजिक्स पेपर में पास किया जाए, दैट्स इट। कि पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने हज़ार बार बोला, मैं यही बोलूँगी और तब तक बोलती रहूँगी जब तक हमें इस जस्टिस नहीं मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ आपको, आपको पता है कि मतलब हर एक जानता है कि 2 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सुसाइड करी, तो कोई नहीं चाहेगा कि रिजल्ट के बाद सब सुसाइड करें, क्योंकि सुसाइड डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी फिर। तो इसलिए मैं जेके बॉस से रिक्वेस्ट करती हूँ हमें इस सब्जेक्ट में पास किया जाए। अब अगर या तो प्रैक्टिकल्स के जो हमारे मार्क्स है वो ऐड किया जाए, क्योंकि पेपर, क्योंकि ये मेरी जितनी हालत है ऐसी नहीं, हर एक स्टूडेंट की ऐसी हालत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड करने वाले हैं रिजल्ट के बाद, तो उनमें से मैं भी एक हूँ। तो इसीलिए तो कोई नहीं चाहेगा कि हर एक जगह सुसाइड हो, डेथ रेट बढ़ती जाए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें इंसाफ मिले, जस्टिस मिले। बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि आदों को घर वालों का डिप्रेशन है, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन हर एक स्टूडेंट का ऐसा ही हाल है, मैं यही बोलूँगी हर एक स्टूडेंट का ऐसा ही हाल है। प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं हमें इस सब्जेक्ट में पास किया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम इसलिए मजबूर हो गए, जो जेके बॉस ने हमें फिजिक्स पेपर डाला था बहुत अनएक्सपेक्टेड था, जो हमारी स्ट्रेटजी रहती आ रही है जेके बॉस के एग्जाम्स के लिए,
वो रहती थी यही कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेक करके उनमें इवेल्युएशन करें कि कौन से टाइप के क्वेश्चन किस कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन इस बार का जो पेपर था वो बहुत डीप चले गए थे, टू मार्क के क्वेश्चन में वो इतने डीप चले गए थे कि उनका कोई आंसर ऐसा बन ही नहीं रहा था जिसको हम एक्सेप्ट करें। टू मार्क उनको आधे आधे पेज पर आंसर बन रहे थे। अगर हम उसी हिसाब से चलते तो हम सेक्शन डी तक पहुँच ही नहीं पाते ये टाइम के हिसाब से। तो सर हमारी यही मांग है सर कि जो हम कुछ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने खाली पेपर दिया है, आधे ऐसे हैं कि जिन्होंने कुछ मार्क्स करके छोड़ दिया है। सर इवन कि आज मैंने पहली बार देखा इतने साल में जितने भी बोर्ड दिए, 8th दिया, 10th दिया, 11th दिया, 12th दिया, जो जितने भी पेपर्स दिए, आज मैंने पहली बार देखा कि स्टूडेंट्स पहले 2.5 ईयर हाफ आवर तक बैठे हुए थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, उन्होंने बस नाम लिखा था, बस एक दूसरे को घूर रहे थे। क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 20 मार्क्स 25 मार्क्स करके वो चले गए। यही चाहते हैं कि जो हम फेल हो रहे हैं कुछ मार्जिन के मार्क्स से, हमें वो दे दिया जाए, ग्रेस मार्क्स से कुछ हमें एक्स्ट्रा ही दिया जाए ताकि हम पास हो जाए। सर यही हमारी और बारामला में हमारा प्रोटेस्ट जारी है सर, इसी बात पे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हम मतलब ये जेके वो से इंसाफ की उम्मीद से आए हैं यहाँ पर, प्लीज़ हमारी उम्मीदों को रायगा ना जाने दें, हमारा भी कुछ सोचे, मतलब हमारा भी कुछ सोचे यार, ये जारी रहेंगे जब तक हमें इंसाफ मिलेगा। इंसाफ यही है कि ये देखो ये बोर्ड की स्ट्रेटजी ही नहीं है ऐसे पेपर्स लाना। ये लोग बोलते हैं मतलब हमें कम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाना है, वो जाना है, इन लोगों ने तो हमें 12th में ही रोक के रखा, मतलब ऐसे पेपर सेट करके। मतलब आप खुद ही सोचे वो जो वो मार्क्स जो मतलब जो क्वेश्चंस जो जो आते थे 5 मार्क्स से, वो आप आ रहे हैं 3-3 मार्क्स के, उनकी डिराइवेशन उनको डिराइव करो, डेफिशियंस लिखो उनकी डिराइव करो, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, उनका इंसाफ नहीं है। आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दो, उनमें 2-2 पार्ट्स थे और उनमें से एक पार्ट था एसी जनरेटर का, एक पार्ट था उसमें से मतलब एक तो उसको डिफाइन करना था, उसकी डिराइवेशन देनी थी, ऊपर से उसके प्रिंसिपल्स लिखने थे, उसकी कंस्ट्रक्शन लिखनी थी, उसकी मतलब उसके डायग्राम बनाने थे। मतलब इंसान लास्ट में ये बोलूँगा मतलब इतना लेंथी पेपर कौन डालता है, किस लिए डालना, मतलब मकसद क्या था इतना लेंथी पेपर डालने का, मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया मतलब क्वेश्चन पेपर्स में। तो यही डिमांड है।